हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो फाउंडेशन शेयर करने जा रही हूँ, ऑयल कंट्रोल फाउंडेशन है एंड इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत अच्छी सी इसकी होती है। एंड इस फाउंडेशन को किस स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हैं फुल डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो फाउंडेशन है स्टील पैरिस फाउंडेशन है एंड इसके अलावा इसको यूज़ करके आपके स्किन पे जो ऑयल होता है एक्सेस ऑयल, इसको ये अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेता है एंड इसके अलावा आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। यानी कि इस फाउंडेशन को जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे तो आपके स्किन पे एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट आ जाता है। सम टाइम ऐसा होता है लेडीज़ जब मेकअप करती हैं, मेकअप करने के बाद उनका फेस काफ़ी केकी लगता है एंड इसके अलावा काफ़ी ड्राई सा फील होता है। बट इस फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई ड्राई फील नहीं होगा। यानी कि आप इस फाउंडेशन को ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, रफली हो या फिर ऑयली हो। एंड इसके अलावा सेंसिटिव या कॉम्बिनेशन स्किन, ऑल टाइप स्किन पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट किस तरह से इसको यूज़ करना है फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आपके साथ मैं इसके नंबर शेयर कर देती हूँ। मेरे पास जो फाउंडेशन है 5 फाउंडेशन आपको शो हो रही है, बट मैं आपको 4 शेड शो करवाऊँगी। यानी कि मेरे पास 2 टाइप की जो फाउंडेशन है वो 02 नंबर है एंड इसके अलावा जो 3 फाउंडेशन है वो डिफरेंट है। यानी 4 शेड्स जो हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पैकेजिंग आप देख सकते हैं, नॉर्मल सी पैकेजिंग है एंड इसके अलावा अगर ये गिर भी जाती है तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती। इस तरह की जो पैकेजिंग होती है काफ़ी अच्छी रहती है एंड इसके अलावा ये जो फाउंडेशन है मेड इन USA है। एंड इसके अलावा ये जो फाउंडेशन है डिफरेंट कंट्रीज़ पे यूज़ किया जाता है और जो इसकी क्वान्टिटी आप देख सकते हैं 40 ग्राम है। ट्यूब के बैक साइड पे इंग्रेडिएंट मेंशन हुए हुए हैं, यहाँ से देख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वार्निंग भी मेंशन है, अगर ये आपकी आईज़ पे चले जाता है तो आप फौरन अपनी आईज़ को अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लें। एंड इसके अलावा बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखना है, यानी कि बेबी ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसके अलावा अगर फाउंडेशन यूज़ करने से आपको कोई एलर्जी होती है या कोई एक्ने या पिंपल का इशू होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस फाउंडेशन को यूज़ ना करें, स्किप कर दें। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि अप्लाई करते ही आपको कोई इरिटेशन वगैरह हो, क्योंकि मैंने खुद ट्राई की है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा सा है। सो फाउंडेशन के स्वेचेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो नंबर अप्लाई किया है 02 नंबर है, आप देख सकते हैं अप्लाई करते ही बहुत ही स्मूथली तरीके से ये अप्लाई हो गई है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी सी है। एंड इसके अलावा इसको अप्लाई करने के बाद एक नेचुरल सी फीलिंग आती है, यानी कि ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ हैवी अप्लाई कर लिया है। एंड सेकेंड ट्यूब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये जो सेकेंड नंबर है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे मैंने जो ट्यूब यूज़ की थी 02 था नंबर एंड नंबर 2 पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप देख रहे हैं 01 है। ये आप देख सकते हैं ये 01 नंबर मैंने अप्लाई किया है, यानी कि 01 नंबर जो है आप अगर पिंकी फेस पे यूज़ करेंगे, यानी कि जो पठान टाइप के फेस होते हैं, पिंक पिंक से फेस होते हैं, उस पर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो टोन है ये थोड़ा लाइट पिंक सा है। एंड थर्ड नंबर पे जो फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ आप देख सकते हैं इसका जो नंबर है 04 नंबर है, ये जो कलर है थोड़ा डार्कर शेड है, आप देख सकते हैं। अगर आपके स्किन डार्क कलर की है तो आप इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपके फेस पे पिंपल वगैरह है उसको हाइड करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जब इसको आप निकालते हैं या इस तरह से देखते हैं तो बहुत ही डार्क सा लग रहा होता है, बट ब्लेंडिंग के बाद इस तरह से ये ब्लेंड हो जाता है स्किन पर। जब भी आप कोई सी भी फाउंडेशन बाय करें तो पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लिया करें, अप्लाई करके देख लिया करें, जो आपके स्किन से मैच करें, जो आपको सूटेबल हो, जो आपको अच्छी लगे, उसी तरह की फाउंडेशन आप लिया करें। सो 3 फाउंडेशन की एप्लीकेशन मैंने हैंड पे कर लिया, आप देख सकते हैं तीनों का शेड कुछ इस तरह का है, एक थोड़ा लाइट फेयर पे है, एक थोड़ा पिंक टोन पे है, एक थोड़ा डल कलर पे है, आप देख सकते हैं तीनों के शेड कुछ इस तरह के हैं। एंड नंबर 4 पे जो मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ आपको स्वेच, जो आप देख सकते हैं 03 नंबर शेड फाउंडेशन है मेरे पास, यानी कि स्टील पैरिस फाउंडेशन का जो 03 शेड है आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। इसको भी अप्लाई करते ही ये इस तरह से फेयर टोन पे आ जाता है और ब्लेंडिंग करने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने कुछ हैवी अप्लाई किया हुआ है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ना इतनी फेयर है ना इतनी डल है, तो आप 03 यूज़ करें, क्योंकि 03 काफ़ी अच्छी सी रहती है और ब्लेंडेबल होती है और अप्लाई करने के बाद एक नेचुरल इफेक्ट आ जाता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने कुछ हैवी लगा लिया है, कुछ फाउंडेशन वगैरह। एंड इसके अलावा अगर आपकी स्किन फेयर टोन पर है
है तो आप 02 यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन फेयर भी है, थोड़ी पिंक टाइप की भी है, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, क्योंकि सेंसिटिव स्किन ज़्यादातर पिंक होती है, फेयर होती है, बट पिंक जगह जगह से हो रही होती है, सो ऐसे फेस पे फिर आप 01 नंबर का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपकी डल स्किन है थोड़ी सी, तो आप 04 नंबर यूज़ करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपकी मीडियम स्किन है, यानी कि गंदुमी स्किन है, तो अगर आप 03 यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसके अलावा अगर आपके स्किन से मैच कोई सा भी फाउंडेशन नहीं करता, और आपके पास कोई सा भी ऐसे रफली फाउंडेशन रखा हुआ है, या कोई ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी सिस्टर वगैरह का है, जो सिस्टर की स्किन से मैच करता है, एंड आप कोई ऐसा फेयर टोन बाय कर लेते हैं, या फिर कोई ऐसा डल टोन पे फाउंडेशन बाय कर लेते हैं जो आपकी स्किन से बाद में मैच नहीं हो रहा होता, यानी कि आप जब घर पे लाते हैं तो मैच नहीं हो रहा होता, फिर कौन चेंज करवाने जाए। सो काफ़ी लेडीज के क्वेश्चन यही होते हैं, जब वो फाउंडेशन मार्केट जाती हैं, बाय करती हैं, स्किन पे टेस्ट करके देखती हैं तो उन्हें बेटर लगती है, फिर वो घर लेकर आ जाती हैं, जब घर लेकर आती हैं तो वो कुछ और ही लगती है, यानी कि स्किन पे अप्लाई करते ही ज़्यादा फेयर टोन पे लगती है या फिर ज़्यादा डल टोन पे लगती है। अगर ऐसा मसला आपके साथ होता है तो फिर आप कोई से भी डल फाउंडेशन जो आपके पास रखी हुई है उस फेयर फाउंडेशन पे मिक्स करके अप्लाई करें तो आपके स्किन से मैच कर जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आपके पास डल फाउंडेशन रखी हुई है और आप फेयर करना चाहते हैं, यानी कि जो 45 नंबर होता है, यानी कि नेचुरल कलर जो होता है फेयर टोन का, वो कलर लेना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा डल फाउंडेशन लें, थोड़ा सा फेयर फाउंडेशन लें। क्वांटिटी आपको दोनों की सेम रखनी है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा फेयर लुक आए तो थोड़ा सा फेयर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, अगर आप चाहते हैं कि डल लुक आए तो थोड़ा सा डल फाउंडेशन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, और फिर अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद फाउंडेशन की एप्लीकेशन करेंगे। फाउंडेशन आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि कौन सी ब्रांड का है। अगर आप लैक्मे फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ग्लैमर का मिक्स कर सकते हैं, एंड इसके अलावा मिस रोज का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप लॉरियल का मिक्स कर सकते हैं, यानी नो डाउट कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको ब्लेंडिंग अच्छी आनी चाहिए, एप्लीकेशन अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपका जो फाउंडेशन है अच्छी तरह से फिक्स नहीं होगा। अगर अच्छी तरह से फिक्स नहीं होगा, जगह जगह पे आपके फेस पे क्रैक आने लग जाएंगे, आपका फेस कहीं से स्मूथ लगेगा, कहीं से बहुत ही रफली लगेगा, इस तरह से आपकी बेस फट जाएगी और बहुत ही बुरी सी फील होती है। सो वाटर टेस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बेस ख़राब नहीं हुई, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है, वाटर प्रूफ भी है ये, तो अगर आप चाहते हैं इसको ट्राई करना तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। यानी कि ये जो बेस है ऑयल कंट्रोल काफ़ी अच्छी तरह से आपके फेस से कर देती है, आप ऑल स्किन पे इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं टिशू से भी इसका जो एक्सेस वाटर है रिमूव करके दिखा देती हूँ ताकि आपको फील हो सके। आप देख सकते हैं अगर आपको स्वेटिंग का इशू है, इतना ज़्यादा पसीना आ गया है, तो आप इस तरह से सिर्फ टैप करेंगे और आपका जो पसीने का इशू है वो कंट्रोल हो जाएगा। एंड जब भी फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें ताकि आपके फेस पे जो एक्सेस ऑयल है या फिर आपके फेस पे डर्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए, उसके बाद कोई सी भी एप्लीकेशन किया करें। लॉन्ग लास्टिंग बेस बनाने के लिए अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लें, उसके बाद ड्राई होने दें। जब आपका फेस नॉर्मल ड्राई हो जाए उसके बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन या मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा सकते हैं। ये जो मेथड है आप ड्राई स्किन पे करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इसके अलावा ऑयली स्किन के लिए अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ना भी लगाएं तो बेटर है, क्योंकि आजकल जो वेदर चल रहा है समर का चल रहा है, समर के वेदर में इतना मसला नहीं होता कि आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं या नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बेस कोई सी भी आप बेस क्रिएट करते हैं तो वो क्रैक कर जाती है, तो फिर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं, उसके बाद फिर आप प्राइमर लगाएंगे, प्राइमर के बाद आप फाउंडेशन का यूज़ करेंगे। कोई सा भी ब्रांड का फाउंडेशन आप लगाते हैं फेस पे तो ब्लेंडिंग करके लगाएं, प्रॉपर ब्लेंडिंग होनी चाहिए, यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, उसके बाद लूज़ पाउडर अप्लाई किया करें। अगर लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहते हैं तो लूज़ पाउडर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप कॉम्पैक्ट पाउडर यानी कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लॉन्ग लास्टिंग बेस के हवाले से। अगर आप लॉन्ग लास्टिंग बेस क्रिएट करना चाहते हैं तो इस मेथड से कर सकते हैं। इसके अलावा ये किस तरह की बेस है मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।